हेलो दोस्तों, तो मेरा ना घर पर बहुत टाइम से मोमोज बनाने का मन था। बाय द वे, एक सीक्रेट बताऊं, आई एम मेकिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई थॉट आई मस्ट शेयर माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ऑल्सो मुझे ना मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलो बिना बकवास के बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, जितने भी वेजेस चॉप किए थे बिल्कुल फाइनली चॉप किए थे मैंने, भर भर के वेजेस सब कुछ डाले, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, अनियन, ग्रीन चिली, सब कुछ 5 to 10 मिनट्स के लिए सॉल्टे किया। सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाला था बस मैंने। देन मैंने डो बनाया, तो उसके लिए मैदा, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसा डो बना लिया। उसके बाद अब चटनी की प्रेप करते हैं। तो मैंने टमेटोज, ड्राई रेड चिलीज एंड गार्लिक, ये सब कुछ को बॉईल कर दिया। एंड मेरे पास ना स्टीमर नहीं था, तो मैंने थोड़ा देसी जुगाड़ किया, कढ़ाई में बहुत सारा पानी डाला सो डैट वो बॉईल होता रहे। उसके ऊपर ऐसे होल्स वाले प्लेट डाले और ऑयल से ग्रीस कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद जो हमने बॉईल किया था, तो टमेटोज के जो पील्स थे वो सब कुछ हटा दिए, फिर ग्राइंड कर लिया मिक्सर ग्राइंडर में। देन अगेन कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के वो जो स्पाइसी रेड चटनी होती है वो डाला, सॉल्ट डाला एंड या इट्स डन। उसके बाद ना बीच बीच का कुछ कुछ प्रोसेस था वो मैं शूट नहीं कर पाई, सो सॉरी फॉर डैट। एक्चुअली मेरे दोनों हाथ बिजी थे एंड आई हैव नो वन टू शूट, सो या सॉरी। वो जो मैंने फिलअप किया वो शूट नहीं हो पाया एंड थोड़ा स्टीम वाला प्रोसेस भी रह गया। एंड टेस्ट वाइज आई वुड लाइक टू रेट इट 8 out of 10। बिल्कुल मार्केट जैसा तो नहीं बना था, स्ट्रीट स्टाइल नहीं बना था बिल्कुल ऑनेस्टली, बट टेस्ट बहुत अच्छा था एंड इतनी मेहनत लगी थी तो ऑब्वियसली यार अच्छा तो लगेगा ही। वैसे नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि इससे भी अच्छा बने, बस वो जो बाहर का कवर होता वो उतने अच्छे से स्टीम नहीं हुआ था एंड दैट वाज प्रीटी मच इट। बाय।